इस समय देश की निगाहें अगर हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव पर लगी हैं तो बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव चर्चा का विषय है। ये उपचुनाव सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह दल दंगल में शामिल हो या नहीं। इस उपचुनाव में मुख्य प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल है और इनमें एक एक सीट दोनों के पास थी। आंकड़े इसी स्थिति को दोहराने की तरफ झुके दिखाई देते हैं तो समीकरण कुछ भी हो सकता है की तरफ इशारा करते हैं। यदि भाजपा के हाथ दोनों सीटें आती हैं तो नीतीश कुमार का झटका उनके लिए मायने नहीं रखेगा और यदि राजद को यह मौका मिलता है तो सदन में समीकरण उनके पक्ष में चले जाएंगे। भाजपा के लिए फायदे वाली बात यह है कि नीतीश कुमार पेट की चोट के कारण दोनों ही जगहों पर चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। भले ही दलों की साख इसमें लगी हो, लेकिन देखा जाए तो मोकामा मैनन सिंह व गोपालगंज में भाजपा के सुभाष सिंह साल 2005 से ही जीत कर आते रहे हैं। 147 रखने के आरोप में अनंत सिंह के जेल जाने और सदस्यता रद्द होने के कारण मोकामा सीट खाली हुई, तो जबकि बीमारी की वजह से सुभाष सिंह का देहांत होने से गोपालगंज सीट। इन सीटों से दोनों की पत्नी चुनावी मैदान में है। राजद ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और गोपालगंज से भाजपा ने सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतारा है। पुराने आंकड़े इतिहास को दोहराने की गवाही देते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। मोकामा में यादव भूमिहार के आपसी विरोध के कारण भूमिहार वोट राजद से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। विरोध में भाजपा ने रालोजपा पारस गुट नेता पूर्व सांसद सूरज भान के भाई नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उतारा है। बाहुबल में सूरज भान अनंत सिंह से कम नहीं है, इसलिए इस टक्कर में को कड़ी मानी जा रहा है। हालांकि साल 2015 में अनंत सिंह ने निर्दलीय लड़कर के यहाँ से सीट जीती थी, इसलिए पलवा उनका कमजोर नहीं माना जा सकता। गोपालगंज से समीकरण दिलचस्प है। साल 2015 में जब नीतीश और लालू साथ थे तब भाजपा के सुभाष सिंह को वहां 78,417 वोट मिले थे और जब 2020 में नीतीश साथ थे तब लगभग 1,000 वोट कम हो गए थे, इसलिए 77,000 भाजपा का बेस वोट माना जा रहा है। इस वर्ष 2015 में राजद ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था और लगभग 3,000 से सीट खोई थी। साल 2020 में महागठबंधन की तरफ से सीट कांग्रेस के कोटे में गई थी और 36,000 वोट पाकर के वो तीसरे स्थान पर थी, जबकि दूसरे स्थान पर बसपा के टिकट पर लड़े तेजस्वी के मामा साधु यादव को 41,000 से अधिक वोट मिले थे। माना जा रहा है कि यादवों के वोट राजद के साथ रहने के बाद भी कांग्रेस को ना जाकर साधु यादव को गए, क्योंकि साल 2015 में बसपा केवल 3,500 ही वोट पाई थी। इस बार साधु की पत्नी इंदिरा देवी बसपा के टिकट पर हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी के लिए यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है और यादव उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है, इसलिए यादव एकजुट हो सकते हैं और प्रत्याशी वैसे होने के कारण कुछ लाभ भी मिल सकता है, इसलिए लड़ाई आसान नहीं कही जा सकती। इस चुनाव में खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद प्रत्याशियों के प्रचार में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लगभग एक सप्ताह पहले गंगा घाटों का निरीक्षण करने के दौरान स्टीमर टकराने से उनके पेट में चोट लग गई थी। नीतीश का न जाना राजद को भारी पड़ सकता है, क्योंकि उसे संदेश जा रहा है कि नीतीश राजद की जीत नहीं चाहते हैं। इसके पीछे लोग तर्क दे रहे हैं कि अगर राजद दोनों सीटें जीत गया तो राजद के 80 कांग्रेस के 19 वामदलों के 16 मिलाकर के 115 हो जाएंगे। जीतनराम मांझी के 4 और AIMIM के 1 व 1 निर्दलीय के सहारे 122 का साधारण बहुमत उसे हासिल हो जाएगा। वैसे भी 247 की विधानसभा में कुड़नी की सीट अभी रिक्त है। बहुमत प्राप्त होने के बाद राजद को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं रह जाएगी, इसलिए नीतीश जाने से खतरा रहे हैं। नीतीश की इस चोट ने राजद को खासा दर्द दे दिया है। हालांकि राजद और जदयू नेताओं ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे नीतीश कुमार के चरित्र से जोड़ रही है। इस गुत्थम गुत्थी समीकरण के चलते ये चुनाव महत्वपूर्ण हो चले हैं। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।